मध्यकालीन निर्गुण संत कबीरदास के दोहों में काया योग, रहस्यवाद, जीववाद, निर्गुणवाद एवं परम तत्व रूप राम आदि अनेक सिद्धांतों की झलक मिलती है। मूलतः कबीर अद्वैत वेदांती है। कबीर का ब्रह्म मात्र निर्गुण नहीं है, निर्गुण होते हुए भी कबीर दया, करुणा, प्रेम और भावना के पुंज है। संत कबीर की साधना में ज्ञान और भक्ति का अपूर्व मिश्रण है, अपूर्व मिलन है। ढोंग, आडंबर, बाहरी दिखावा, इन सभी चीजों के कट्टर विरोधी कबीरदास जी रहे। उन्होंने समाज के उन सभी आडंबरी पंथों और संप्रदायों पर चोट किया है जो बाहरी दिखावा के पक्षधर है। दिखावा का मतलब समझ रही हो? दिखावा, जो हम है नहीं वैसा दिखने की कोशिश करना, वही दिखावा है। आडंबर उसी को कहते हैं। बाल मुंडा लेने से कोई संत नहीं हो जाता, वस्त्र दंगा लेने से कोई फकीर नहीं हो जाता, दाढ़ी रख लेने से कोई साधु नहीं हो जाता। कबीरदास जी इसको आडंबर मानते रहे। हम स्वयं अपने कर्मों का मूल्यांकन नहीं करते, परंतु दूसरों के कमियों को, त्रुटियों को देखते फिरते हैं। अपने घर को, अपने आचरण को नहीं सुधारते, पर दूसरों से यही आशा रखते हैं। हम अपनी कमियों को नहीं आंकते, अपने छिद्रों को नहीं देखते, लेकिन दूसरे के छिद्रों को बड़ा करने में मशगूल रहते हैं। अपने अवगुणों को देखना तो दूर, सुनना तक पसंद नहीं करते। वहीं दूसरों के गुणों को भी अवगुणों में परिवर्तित करने के लिए लगे रहते हैं, कुचक्र रचते रहते हैं। कबीरदास जी इन सभी आडंबरों के विरोधी थे। उनका कहना था कि तुम जैसे हो वैसे ही दिखो, अपने आप को झूठे श्रृंगार में मत लाओ, बनाओ श्रृंगार, यह आडंबर है। महान संत कबीर कबीरदास जी का जन्म संवत 1456 के ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन हुआ था। उनके जन्म और मृत्यु तिथि विवादित है। ब्राह्मण कुल में जन्म लिए कबीरदास जी का पालन पोषण मुस्लिम परिवार में, जुलाहा परिवार में हुआ। यही कारण है कि कबीरदास में दोनों संस्कारों का मिश्रण है। एक बार परिस्थितियों से ऊब कर कबीरदास जी बैरागी हो गए और वन वन भटकते रहे, पर जब उन्हें वे कष्ट वन में भी प्रतीत हुए तो घर रहकर ही उन्होंने वास्तविक विरक्त जीवन अपना लिया और वही जीवन व्यतीत करने लगे। वे शरीर से ही नहीं मन से बैरागी थे, सच्चे मन के पुजारी थे। संत कबीरदास जी अपने संपूर्ण जीवन में अपने को कभी किसी धर्म या किसी पंथ से नहीं जोड़ा। कबीर सच्चे साधक और संत सच्चे संत थे, योगी थे। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब आज संपूर्ण समाज जाति, धर्म, रंग भेद, वर्ण भेद में बढ़ता नजर आ रहा है, समझ रही हो? जाति भेद, हमारा जाति क्या है, हम उसी जाति को हम चाहेंगे, यही होता है जाति। धर्म, हम जिस धर्म को मानते हैं हम उसी धर्म के लोगों से प्यार करें, दूसरे के धर्म को छोटा समझें, यह गलत बात है। इस धर्म को, इस जाति को, रंग भेद को, हम गोरे हैं तो काले लोगों से घृणा करें, यह रंग भेद है, और वर्ण भेद, इन सबों को वो बहुत ही खराब मानते थे। मन को वश में करो, मन को अपने वश में लाओ, भटकना छोड़ो, सांसारिक विषयों को मन में स्थान मत लेने दो, राम नाम में गोता लगाओ, यही सार है और यही तत्व है। इस पर कबीरदास जी ने कहा है, मुंड मुंडावत दिन गए दिन गए दिन गए, मुंड मुंडावत दिन गए, आज हूं न मिलिया राम, बिन राम मिलिया राम।
जहु न मिलिया राम, राम नाम कहू क्या करे, जे मन के औरे काम, जे मन के औरे काम। कबीर दास जी कहते हैं कि हे साधक, सन्यासी वेश बनाए रखने के लिए सिर मुंडाते हुए पता नहीं तुम्हारा कितना समय बीत गया है, सिर को छिलाने में कितना समय तुमने बर्बाद कर दिया, पर अभी तुम्हें भगवान राम के दर्शन नहीं हुए। तुम्हारा मन जब अन्य सांसारिक कार्यों में तल्लीन है तो फिर तुम ही बताओ, राम नाम का स्नेह शून्य स्मरण क्या कर सकता है? जिसका स्मरण शून्य है, भगवान के प्रति शून्य है, वो उनका स्मरण क्या कर सकता है? अथवा दूसरी जगह लगे हुए मन से राम नाम का स्मरण हो ही नहीं सकता है। मुंड मुंडावती दिन गए अजहुन के औरे काम कबीरा, मन के औरे काम कबीरा, कबीरा 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 कबीरा, मन के औरे काम कबीरा, मन के औरे।